वाला कोई और नहीं, वो भोलेनाथ गौरी नाथ कहने वाला कोई और नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 24/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग हमारी काया को कल्प तरु बनाने वाले अर्थात काया को भी कंचन बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। ये पिंजरा जो है आत्मा का, तो ये आत्म पंछी का पिंजरा बहुत पुराना हो चुका है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने, तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत समझने की है? उत्तर है, इस नाटक में जो भी एक्टर्स पाठधारी हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे, यानी चैतन्य चित्र, और सभी भिन्न भिन्न होंगे। एक जन्म का चेहरा न मिले दूसरे जन्म में, और ऐसे सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, लेकिन हरेक व्यक्ति का चेहरा एक जन्म से दूसरे जन्म में ना मिले, और फिर दूसरी व्यक्ति से भी न मिले। इतना विशाल बाबा ने ये कार्य किया है। तो इस नाटक में जो भी एक्टर्स पाठधारी हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हो, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे, पाठ पक्का करो ये सब, और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते, जिसने जो कर्म किए वही कर्म फिर 5000 वर्ष के बाद करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, तुम ये राज सबको समझा सकते हो। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, नंबर एक है हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के क्या हैं? हाँ, प्यार के सागर के बाप के द्वारा प्यार के मीठे मीठे हमारे प्रति उद्बोधन सुनिए, बोल सुनिए। दोनों बाप के सिकिलदे नूरे रत्न हैं, हम शिव बाबा के जीते जी वारिस हैं। हाँ, नशा चढ़ता है तो इस ही नशे में रहना है। नंबर दो है, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। जब बाप से राखी बंधवाई है पवित्रता की, तो विघ्न तो पवित्रता के ऊपर पड़ने ही है, तो हमें वो भी सहन करना है। पतित कभी नहीं बनना है, सहन करें पर हम पतित कभी न बने। वरदान है आज का, सुख के सागर बाप की स्मृति के द्वारा दुख की दुनिया में रहते हुए भी क्या अनुभव करें? सुख स्वरूप अनुभव करें, सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे हो, प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूलों में झूलने वाले हो। देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी नशा चढ़ाने वाली बातें बता रहे हैं। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता। देखो बाबा कहाँ तक हमें देख रहे हैं, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर
संगम युग पर पहुंच गए हो, सब रस्सियां टूट गई, तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन है आज का, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। उसके लिए एकांत में जाने की जरूरत नहीं, परंतु स्वयं की स्थिति को इतनी पावरफुल बनाएं जो हम एकांतवासी स्वयं को बना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।